दुमका में झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संवैधानिक तरीके से बनी मौजूदा सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार बनाने और अधिकारियों को काला पानी भेजने की बात कही जाने के विरोध में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा ने गांधी चौक के समीप एक दिवसीय उपवास रखा। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए। देखिए, लगातार लोकतंत्र पर हमला यहाँ कायम है, हर जगह विरोध किया जा रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और चुनाव में सबसे मर्यादित चीज है चुनाव आयोग, जो भारत के संविधान को रक्षा कर सकता है, लोकतंत्र को बचा सकता है, और वो लगातार पक्षपूर्ण रवैया अपना रहा है, एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है और दूसरे दल के लोगों को फ्री छोड़ दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। उसके खिलाफ में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश जी, उन्होंने जो सीधी बात बोली है कि हम अफसर को 2 महीना के अंदर अपने से काला पानी भेज देंगे और सरकार को हटा देंगे और अब सरकार बना लेंगे, इस पर भी चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, लेकिन कमलनाथ जी पर संज्ञान लेके उनको स्टार प्रचारक से हटा दिया और इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं किया। इसके मूवमेंट ऑर्डर को रोकना चाहिए, इसके मैंने इसको इलेक्शन में प्रचार करने से रोकना चाहिए, बहुत उपाय कर सकता था इक्वली, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। आज हम चुनाव आयोग के खिलाफ में कि चुनाव आयोग निष्पक्षता की ओर बढ़े और कायरता ने बुजदिली ना दिखाए, बहादुरी से इलेक्शन कराए, गंभीरता इलेक्शन से ले, इस बात के लिए हम लोग अनशन कर रहे हैं। अनशन नहीं है मेरा, ये उपवास है और हम उपवास कर रहे हैं गांधी जी के सामने कि अगर भविष्य, अभी तो आज एक दिन का उपवास है, वो कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के द्वारा अभद्र टाइप का, एक जाहिल टाइप का भाषा का प्रयोग करना, लोकतंत्र का हत्या करना जैसा शब्द वो दुमका में प्रयोग किया है। दोहरी नीति चुनाव आयोग का है कि मध्य प्रदेश में हम लोगों के अध्यक्ष कमलनाथ जी पर स्टार प्रचारक से रोक लगा दी गई है और झारखंड में वही दीपक प्रकाश जो है खुलेआम कहती है अफसर को कि काला पानी का सजा देंगे, सरकार 2 महीना के अंदर गिरा रहे हैं, हम बना लेंगे। जिस तरह लोकतंत्र का हत्या मध्य प्रदेश में यह सरकार किया है, ये रांगा बिल्ला का जो दोनों चेला है झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, इस टाइप का अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उसी के वजह से आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष श्री अनुकूल चंद्र मिश्रा जी के ने एक दिवसीय उपवास में 9 बजे से शाम 5 बजे तक बैठी है। हम लोगों का पूर्ण जिला कांग्रेस कमेटी का समर्थन है और लोकतंत्र बचाने के लिए गांधी जी के सामने हम लोग सभी लोग बैठे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन तक जाएंगे कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता।